बड़ी खबर इस बीच प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, ये एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। लगातार योगी सरकार पर हमलावर है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने बलरामपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि यूपी में जंगल राज है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है। ट्वीट किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, वो आपको दिखा देते हैं। लिखती हैं कि हाथरस जैसी विभीष घटना बलरामपुर में घटी है। लड़की का बलात्कार कर पैर और कमर तोड़ दी गई। आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर में बच्चियों से दरिंदगी हुई। यूपी में फैले जंगल राज की हद नहीं। मार्केटिंग, भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती है। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है, जनता को जवाब देना चाहिए। ये प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और लगातार अब कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। और आज हाथरस भी जा रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अब इस पर सीधे मैं जवाब अलका जी आपसे लेना चाहूंगी। बताइए मैडम, क्या ट्विटर से जंग जीत ली जाएगी, क्या इंसाफ ट्विटर के जरिए मिल जाएगा, इस तरीके से आरोप लगा देना और निशाने पर ले लेना सरकार को? देखिए, आरोप नहीं, जो सत्ता में बैठा है उसकी जवाबदेही है। जब हम सत्ता में थे हमारी जवाबदेही थी और लोग हमसे बहुत नाराज हुए निर्भया में, हमें सत्ता से बाहर किया। आज इनकी जवाबदेही, इससे बड़ी दुख और विडंबना क्या हो सकती है कि सुबह की आंख खुलती है तो पहला ही चर्चा जो है वो गैंग रेप, नाबालिग बेटियों के साथ गैंग रेप बलात्कार पर होती है। 38,000 मामले 2019 में हुए, चर्चा इसी पे क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें सरकार, पुलिस, प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है, मिली भगत से है। पीड़िता की FIR नहीं हो रही थी, FIR में रेप की धाराएं दर्ज नहीं की जा रही थी, बेटी को इलाज नहीं मिल रहा था, एम्स में लाने की बजाय सफदरजंग में लाया जाता है, सुबह तक उसका वो दम तोड़ देती है। उसके बाद रातों रात परिवार की इच्छा के बिना उसकी उनकी अनुपस्थिति में बेटी का रात को 2-3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कि क्या छुपाया जा रहा है? और यहाँ तक कि डीएम ने ट्वीट पढ़िए, 20 सितंबर का ट्वीट डीएम का, 20 तारीख को कहते FIR हुई, 24 को आगरा पुलिस ट्वीट करती है सर कोई घटना ही नहीं हुई, ये सारी वारदात झूठी है।